नमस्कार, छत्रपति मशरूम में आपका स्वागत है। मैं देवव्रत पोद्दार, प्रोफेशनल इलाज खेल में मशरूम फार्मिंग करता हूँ और बहुत ही तरह का मशरूम का सीड जो है वो मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। जी हाँ, और मशरूम का जो ट्रेनिंग है वो मैं देता हूँ। तो आज कोई टॉपिक पे नहीं, जी हाँ दोस्तों, आज कोई टॉपिक पे नहीं, आज सीधा मशरूम ट्रेनिंग पे बात करूँगा। जी, आप सभी के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि बहुत दिन से मैंने कोई मशरूम ट्रेनिंग के बारे में कुछ बात नहीं किया था। तो आज मशरूम के ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे और मशरूम किस तरह से हमने एक यहाँ पे छत्रपति मशरूम जो अपने फार्म है यहीं पर हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम वर्कशॉप 2 दिन का कराने वाले हैं, जहाँ पे 2 दिन इसमें प्रैक्टिकली यहाँ पे की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। और ये मैं आज जो अगले महीने यानी कि अगस्त 2019 अगला महीना इस ट्रेनिंग को किए करवाई जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें टोटली प्रैक्टिकली ज्ञान दी जाएगी। और मैं देवव्रत पोद्दार प्रोफेशनली लार्ज स्केल में मशरूम फार्मिंग करता हूँ, और मशरूम फार्मिंग करने के जो तरीका है वो मैं दिखाऊंगा आपको इस ट्रेनिंग के माध्यम से, किस तरह से मशरूम फार्मिंग किया जा सकता है लार्ज स्केल में आज। और साथ ही साथ इस मशरूम को कौन सा सीजन में कौन सा मशरूम फार्मिंग करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, कौन सा मेडिसिन यूज़ करना चाहिए, कौन सा मशरूम रेनी सीजन में, कौन सा मशरूम विंटर सीजन में, कौन सा मशरूम समर सीजन में फार्मिंग किया जा सकता है, ये टोटली आपको दिखाई जाएगी और प्रैक्टिकली करवाई जाएगी, और आपके हर एक सवाल की जवाब भी दी जाएगी। और मैं देवव्रत पोद्दार आज ऑफिशियली यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको बताना चाहता हूँ, मैं आज ऑफिशियली आपको अनाउंस कर रहा हूँ कि अगला महीना अगस्त 2019 के मशरूम ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इस मशरूम ट्रेनिंग में ये 2 दिन का रहेगा, और इस ट्रेनिंग में पूरी मशरूम जो किस तरह से मशरूम फार्मिंग किया जा सकता है, और सीड का क्वालिटी, कौन सा सीड अच्छा है कौन सा नहीं है, पीपी की बैग कौन सा सही है कौन सा नहीं है, पीपी बैग को कैसे ठीक से अपने फार्मिंग के अमल में लाए, और टोटल मशरूम कैसे प्रोडक्शन की जा सकती है, मतलब फार्मिंग किया जा सकता है कौन किस तरह से नहीं, और ये प्रैक्टिकली करवाई जाएगी। और साथ ही साथ ये ट्रेनिंग तब तक चलेगा जब तक आप मशरूम फार्मिंग किस तरह से मशरूम फार्मिंग करने के बाद जो मशरूम ड्राई करने के बाद किस तरह से मशरूम ड्राई करके 1 साल तक उसको स्टोर करके रख सकते हो 1 साल अपने घर में, ये आपको दिखाई जाएगी, और 1 साल कैसे रख सकते हो आपकी दिखाई जाएगी और प्रैक्टिकल करवाई जाएगी। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है, ये मशरूम फार्मिंग करने के बाद जो बैग बचता है, वो बेड जो बचता है, ये सारा गला जो बैग बचता है, ये बैग को किस तरह से अपने रिसाइकल में, कैसे समाज में रिसाइकल में किया जा सकता है वो भी आपको इस ट्रेनिंग में दिखाई जाएगी। और इस और कोई कोई अगर आप मशरूम का बाई प्रोडक्ट जो है वो अगर आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और करना चाहते हैं, कोई बाई प्रोडक्ट का आइटम बनाना चाहते हैं, तो इस ट्रेनिंग में भी बताई जाएगी, लेकिन इसका चार्ज थोड़ा अलग रहेगा और इसके लिए अलग से आपको टाइम दे के आना पड़ेगा, तभी ये सिखाई जा सकती है। जी हाँ, ट्रेनिंग का लैंग्वेज रहेगा बंगाली और हिंदी, दोनों भाषा में सिखाई जाएगी और दोनों भाषाई किया जाएगा। और इस जिन और महिला जो है, अगर आप नहीं आ सकते तो आप ग्रुप बनाइए, आप मेरे को बुलाइए, मैं आऊँगा आपको ट्रेनिंग देने के लिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और इस वीडियो को शेयर कीजिए जो मशरूम फार्मिंग करना चाहते हैं लेकिन कोई जान पहचान नहीं है, तो ये वीडियो उनको शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ट्रेनिंग लेने के लिए मुझे फ़ोन कीजिए।